हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज के वीडियो में टॉपिक जो कवर होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है, एग्जांपल, व्हाट इज मॉडल, नीड ऑफ मॉडल, टाइप्स ऑफ मॉडल और कंक्लूजन। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। In the object oriented design approach, the system is viewed as collection of object that is entities. यहाँ पे अब object oriented design approach में हम बात करेंगे तो यहाँ पे object के form में बात करते हैं। जब दो object एक दूसरे से communicate कैसे करेंगे, collection of object किस तरीके से रहेगा, system के अंदर कितने objects रहेंगे, क्या क्या रोल रहेगा उन ऑब्जेक्ट्स का, ये सब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन अप्रोच में देखते हैं। द स्टेट इज डिसेंट्रलाइज्ड अमंग द ऑब्जेक्ट एंड ईच ऑब्जेक्ट मैनेज इट्स ओन स्टेट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज द मेन सेंटर ऑफ एन सिस्टम, जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट में मैनेज कैसे करेगा ये हमें समझाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो करेगी। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री। उनके ऑब्जेक्ट को हम एंटिटीज भी बोल सकते हैं। उनकी अपने एक वेरिएबल है, जैसे बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, बुक का नेम, बुक आईडी एक्सेट्रा। तो यूज़र वन, टू, थ्री आर दी ऑब्जेक्ट्स एंड बुक वन, टू, थ्री आर दी वेरिएबल्स। एक LMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम से हम समझते हैं कि मॉडल क्या होता है और किस तरीके से मॉडल ज़रूरी रहता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू। तो अब जब मैं यूज़र वन बुक वन को सबमिट करेगा, ठीक है, तो बुक वन उससे फ्री हो जाएगी, से जो डेटा है बुक वन का वो फ्री होके अब वो डेटाबेस में जाके असाइन हो जाएगा। अब जब यूज़र थ्री बुक वन को लेना चाहेगा तो वो ले सकता है। मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट के बीच वो किस तरीके से रहेगा, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे ये हमें समझाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच मॉडल में। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट किस तरीके से मैथड को पास करके, हमने मैथड पासिंग देखी है, पैरामीटर्स देते हैं हम पास करते हैं तो मेथड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं बाय पासिंग दी पैरामीटर्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेगा, बाय पासिंग द पैरामीटर्स। यहाँ पे हम बुक वन को फ्री करेंगे। अब अगर यूज़र वन बुक वन को फ्री नहीं करेगा तो यूज़र थ्री पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा। और दो यूज़र अगर एक दूसरे से, सॉरी, दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, बाय पासिंग द पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे LMS में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, जब यूज़र वन बुक वन को रिलीज करेगा तो वो डेटाबेस में जाएगी डिटेल और यूज़र थ्री उसको असाइन कर, यूज़र थ्री को वो असाइन हो जाएगी। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, बट जब यूज़र वन ने इसको रिलीज करा तो यूज़र थ्री पे उसके डेटा पे, उसकी डिटेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जस्ट लाइक जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट में चेंजेस होता है तो उसका जो चेंजेस अपियर दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं हो, उससे कोई रिफ्लेक्शन अपियर नहीं हो। यूज़र टू का अपना एक पर्सनल डेटा है, वो अपनी पर्सनल बुक यूज़ कर रहा है, यूज़र वन अपनी। जब वो रिलीज करेगा डेटाबेस में जाएगा, डायरेक्ट रिलीज नहीं होगी, ऐसे यूज़र वन से रिलीज करी और यूज़र थ्री ने उसको ले ली, हमें एक डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा, वो यहाँ पे रिलीज होती है और यहाँ से असाइन होती है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं और एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस से दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करते हैं। मॉडल्स बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट गैदर करी हमने, रिक्वायरमेंट को लिखी, बट एक मॉडल एक डायग्रामेटिक फॉर्म में हमको बताना पड़ता है कि हमारा एक्चुअल में डेटा किस तरीके से फ्लो हो रहा है। ये एक टेक्स्टुअल, ग्राफिकल, मैथमेटिकल और प्रोग्राम बेस्ड कोड डिज़ाइन रहती है, इसको हम रेडी करते हैं। मॉडल्स आर वेरी यूजफुल इन डॉक्यूमेंटिंग द डिज़ाइन एंड एनालिसिस रिजल्ट। अब मॉडल्स बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन में, किस टाइम की डॉक्यूमेंटेशन में, जब हम डिज़ाइनिंग फेज में रहते हैं और एनालिसिस फेज में रहते हैं, टाइम पे हम मॉडल्स को
रेडी करते हैं. मॉडल कैप्चर एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सम एप्लीकेशन वाइल ओमिटिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग द रेस्ट. जो ज़रूरी डिटेल्स रहती है जिन्हें हमें एप्लीकेशन में ज़रूरी है उन्हें हम शो करते हैं, उन्हें कैप्चर करते हैं, और जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उन्हें हम ओमिट या डिलीट करके छुपा के रखते हैं, उन्हें शो नहीं करते. मॉडल्स ऑल्सो फैसिलिटेट द एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोसीजर देमसेल्फ. ग्राफिकल मॉडल्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कंस्ट्रक्ट. UML इज ए प्राइमरी ग्राफिकल मॉडल. आगे जाके हम UML डिस्कस करेंगे. जो पॉपुलर मॉडल कंपनी यूज करती है वो होता है UML. UML एक तरीके का ग्राफिकल मॉडल है. नीड फॉर मॉडल, मॉडल की यूज क्यों, क्या नीड रही, क्या नीड लगी हमें मॉडल बनाने के लिए. अच्छा खासा रिक्वायरमेंट गैदर करके हमने SRS डॉक्यूमेंट तो रेडी कर लिया था, बट प्रॉपरली कम्युनिकेशन के लिए हमें एक डायग्रामेटिक मॉडल, एक चार्ट रेडी करके रखना पड़ता है जिससे हमें ईजी और जल्दी समझ में आए कि हमारा डेटा किस तरीके से फ्लो हो रहा है. जैसे लॉग इन करेगा, लॉग इन के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पेज पे जम करेगा. तो ये अगर ये हम डायग्रामेटिक फॉर्म में बताएंगे कि बहुत जल्दी समझ में आएगा और फिक्स भी रहेगा. एन इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल इज दैट इट हेल्प्स मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी. डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, मॉड्यूल के थ्रू हम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं. वंस मॉडल ऑफ ए सिस्टम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड दिस कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एक बार मॉडल बन गया, किस तरीके से हमारा फीचर आगे फ्लो हो रहा है, किस तरीके से हमारा डेटा फ्लो हो रहा है, उसे हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे एनालिसिस के टाइम पे, स्पेसिफिकेशन के टाइम पे, कोड जनरेशन के टाइम पे, डिज़ाइन, मतलब हर फेज के टाइम पे हम उस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं. अलग अलग फेज के टाइम पे उस मॉडल का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, उसका जो आउटपुट रहेगा वो अलग रहता है. ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक. मॉडल्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है ऑब्जेक्ट मॉडल. ऑब्जेक्ट मॉडल में हम मेन फोकस करते हैं एनकैप्सुलेशन, मॉड्युलैरिटी, हायरार्की, टाइपिंग, कॉन्करेंसी, पर्सिस्टेंट पे, ऑब्जेक्ट एंड क्लास. यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है किस तरीके से ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करेगा एक क्लास में, और दो क्लास में ऑब्जेक्ट किस तरह, एक से ज़्यादा क्लास में ऑब्जेक्ट किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, वो क्लास किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी, ये कौन बताता है? ऑब्जेक्ट मॉडल. दूसरा होता है डायनेमिक मॉडल. डायनेमिक मॉडल इन्वॉल्व स्टेट्स, इवेंट्स एंड स्टेट डायग्राम, जिसे ट्रांजिशन डायग्राम बोल सकते हैं, STD. यहाँ पे स्टेट किस तरीके से चेंज हो रही है. जैसे अभी वो लॉग इन था, यूज़र ने लॉग इन करा, डैशबोर्ड पर आ गया, ये उसकी एक नॉर्मल यूज़र से, न्यू यूज़र से वो लॉगिन में आ गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई. अब न्यू यूज़र से लॉगिन में आ गया, लॉगिन के बाद वो लॉग आउट करेगा, या सपोज उसने कुछ बाय करा, तो अब वो उसकी स्टेट चेंज हो गई, अब वो एक बायर बन गया है. ओके, उसे कुछ सेल करना है तो वो अब उसकी स्टेट चेंज होकर वो सेलर बन गया है. नेक्स्ट लॉग आउट पेज. लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद अब उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो लॉग आउट पे आ गया, अब वो एक नॉर्मल सिर्फ यूज़र बन गया है. इस तरीके से स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम में हम डायनेमिक मॉडल का यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है फंक्शनल मॉडल. फंक्शनल मॉडल फोकस ऑन हाउ द डेटा इज फ्लोइंग, वेयर डेटा इज स्टोर्ड एंड डिफरेंट प्रोसेसेस. मेन कंसेप्ट इन्वॉल्व इन फंक्शनल मॉडल आर डेटा फ्लो. यहाँ पे डेटा पे मेन फोकस किया जाता है, डेटा किस तरीके से फ्लो होगा. ओके, तो डेटा फ्लो DFD डायग्राम के थ्रू हम, चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं फंक्शनल मॉडल को. मॉडल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के मॉडल होते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी मॉडल की, ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.